Hi friends, happy vacation. How are you all? First of all, thank you so much for your wonderful birthday wishes. I am very happy to know that कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता था कि 1st May is my birthday and आप लोगों ने happy birthday से comment section भर दिया था. So thanks a lot for that. Now let's unbox this birthday gifts. But wait, एक काम करो. सारी गिफ्ट ना ये बैग्स में से निकाल के यहाँ पे रख दो, देन वन बाय वन उसे अनबॉक्स करो. हाँ ये सही रहेगा. वाओ, ये गिफ्ट बैग कितना यूनिक है. इस गिफ्ट में क्या हो सकता है? तो इनमें जो गिफ्ट्स है वो भी हम साथ में ही रख देते हैं. चॉकलेट हो सकती है. अब सारी बैग्स रख देते हैं साइड में और गिफ्ट अनबॉक्स करते हैं. ओ, इसमें एक गिफ्ट तो रह ही गई, वो ये है. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये टॉफी शेप वाले गिफ्ट से. वाओ, हैव यू नोटिस्ड फ्रेंड्स, जिस कलर का स्क्रंची है उसी कलर की ये नेल पेंट है, तो सभी में इसी टाइप से है. आई थिंक इट्स अ यूनिक वे टू गिव गिफ्ट्स, है ना मम्मा? यस. एंड स्क्रंचीज के कलर्स बहुत ही क्यूट है ना. इसमें क्या हो सकता है? It's something of Mirada. Wow, it's a water bottle. इसमें हम पेंट करके इसको एक DIY water bottle बना सकते हैं. Now let's unbox this. जिसमें लिखा है Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Oh wow, ये तो है एक backpack. So cute and color भी बहुत pretty है. And backpacks में ना मैं always ये देखती हूँ कि इसमें हमें छोटे छोटे pockets कितने मिल रहे हैं और total कितने compartments है. ये है इसकी main chain and wow, अंदर एक छोटे से cute सी chain है and ये 3 compartments है. तो उसमें ये वाला बहुत ही cute है ना. आगे और एक pocket है बहुत ही छोटा सा and cute. वैसे अभी जो मैं बैकपैक यूज करती हूँ उसमें भी कुछ इसी तरह से पॉकेट्स एंड कंपार्टमेंट्स है. ये है उसका बैक व्यू एंड ये है फ्रंट व्यू. बट मैं जो अभी बैकपैक यूज करती हूँ उसके साइज से ये बैकपैक की साइज थोड़ी सी बड़ी है, तो थोड़ा सा ज्यादा स्टफ मैं रख पाऊंगी इसमें. ओके, सो नेक्स्ट हम ये वाली अनबॉक्स करेंगे. ओ वाओ, ये तो कस्टमाइज्ड गिफ्ट है. ये क्यूट सी वैनिटी को अब ओपन करते हैं. वाओ, यहाँ पे हम रख सकते हैं नेकलेसेस एंड इसके अंदर भी नेकलेसेस रख सकते हैं. फिर आई थिंक इसमें रख सकते हैं, हाँ इसमें ईयर टॉप्स रख सकते हैं एंड रिंग्स. एंड यहाँ पे हमें जो दूसरा स्टफ ब्रेसलेट या ऐसा कुछ रखना हो तो वो. एंड इनकी हेल्प से हम इनमें कस्टमाइज सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं. एंड इसमें यहाँ पे लिखा है R एंड यहाँ पे रिया. ये वैनिटी इटसेल्फ इतनी क्यूट एंड मिनी है, तो इसे तो ड्रेसिंग टेबल पर रखना बनता है. ऊपर से इसमें मेरे नेम का फर्स्ट लेटर एंड मेरा नेम लिखा हुआ है. ओके, सो अब हम अनबॉक्स करने वाला है ये. इसमें क्या हो सकता है? कुछ ऐसे राउंड जैसा शेप लग रहा है ना एंड नीचे से थोड़ा हार्ड भी लग रहा है. सो आई थिंक इसमें होगा चॉकलेट बॉक्स. ओह, इसमें तो कुछ और ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये क्यूट सी इयररिंग्स है गोल्डन कलर में, बॉल चेन इयररिंग्स. नेक्स्ट है ये बहुत ही बड़े पर्ल्स का नेकलेस. इट्स समथिंग यूनिक इन माय कलेक्शन क्योंकि मेरे पास इतने बड़े पर्ल्स का नेकलेस या फिर इयररिंग कुछ भी नहीं है. ये वाला नेकलेस 3 लेयर्ड है, समथिंग लाइक दिस. एंड यस, 2 मोर थिंग, ये वाला है पीच कलर का एंड दिस वन इज ऑफ व्हाइट कलर. इट्स लुकिंग सो प्रिटी. नेक्स्ट है ये वाला, ये कुछ इस टाइप का लगेगा. आई थिंक इसमें क्या होगा वो मैं गेस करूंगी, तो शायद राइट होगा क्योंकि इसमें आगे है बुक मार्क, तो अंदर शायद बुक्स होगी. तो ये बुक मार्क को फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेते हैं. ये है नंबर 1 बेस्ट सेलर्स वाली बुक एंड ये है बिजनेस मॉडल्स वाली. What did happen to the last 10? I ran away with my life.
fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them. Actually friends, you know, मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद है, लेकिन मैं बुक्स रीडिंग करना लाइक उसमें रेगुलर नहीं रह पाती. लाइक डायरी राइटिंग में कैसे मैं रेगुलरली डेली डायरी लिखती हूँ, वैसे बुक रीडिंग में ना मैं रेगुलर नहीं रह पाती. और काफ़ी टाइम से उसी वजह से हमने कोई बुक्स ली नहीं थी, बट अब ये दोनों बुक्स आ गई है सो हम बुक रीडिंग करना फिर से स्टार्ट करेंगे. एंड ऊपर से ये तो कॉमर्स रिलेटेड है एंड मेरी स्ट्रीम भी कॉमर्स है. सो नेक्स्ट हम करेंगे ये वाली गिफ्ट अनबॉक्स. ये ना एक हार्ड बॉक्स है, तो इसमें क्या है वो तो गेस करना थोड़ा मुश्किल है. तो चलिए फटाफट से अनबॉक्स ही कर लेते हैं. वाओ, इसमें तो कुछ फुटवेयर लगता है. वाओ, ये सैंडल्स को देख के तो बहुत ही मजा आ गया, क्योंकि वैसे तो मम्मा मुझे हाई हील्स लेने नहीं देते, लेकिन अब हाई हील्स वाला सैंडल गिफ्ट में मिले हैं तो कभी कभी तो पहन सकती हूँ ना. इनका लुक काफी रॉयल है एंड कुछ इस टाइप की है इसकी हील्स. ये हाई हील्स तो आई थिंक अभी ट्राई करना बनता है. तो ये वाले सैंडल्स ना एकदम ही कंफर्टेबल है. अब ना हम ये अनबॉक्स करेंगे. वाओ, मैंने गेस किया था और ये पाउच ही है. तो मैंने ना गेस किया था कि इसमें शायद पाउच होगा और इसमें पाउच ही निकला. इट्स सो क्यूट पाउच एंड पिंक कलर है जो मेरा फेवरेट कलर है. क्या आपका भी फेवरेट पिंक कलर ही है कमेंट्स में बताना. तो इसमें यूनिकॉर्न है. तो मैं सोच रही हूँ ये वाले पाउच को ट्रैवलिंग स्पेशल पाउच बना दूँ या रनिंग वाला पाउच जैसे यूज करूँ, लाइक स्टेशनरीज या कोई अदर स्टफ रखने के लिए. आप कमेंट्स में बताना, मैं इसे वैसे ही यूज करूंगी. नाउ वी विल अनबॉक्स दिस वन एंड शायद इसमें हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, जिसे हमें ज्वाइंट करके पूरा असेंबल करके एक ऑर्गेनाइजर बनाना है. लेट्स सी क्या है. हो, इसमें तो कुछ और ही है. चलिए दिखाती हूँ क्या है. तो सारी है हेयर एक्सेसरीज. ये है मिनी बटरफ्लाइज एंड रबर्स का सेट. ऑलमोस्ट सारे कलर्स पेस्टल थीम पर है. इन्हें हम कुछ इस तरह से हेयर क्लिप्स की तरह लगा सकते हैं और एंड में ऑफ कोर्स चार्म्स है एंड हेयर क्लिप्स की कुछ इस तरह से पैर है. मुझे तो ये वाला ना सबसे ज्यादा क्यूट लगा हेयर एक्सेसरीज में. तो अब हम देखेंगे कि इस बड़े वाले गिफ्ट बॉक्स में क्या है. बट बिफोर अनबॉक्सिंग दिस, ये गिफ्ट पेपर इतना क्यूट है एंड ये डेकोरेशन भी क्यूट किया हुआ है, सो इसे अनपैक करने का तो मुझे मन ही नहीं हो रहा है. बट अगर अनबॉक्स नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर क्या है. तो चलो फटाफट से अनबॉक्स करते हैं. वाओ, इसके अंदर तो एक नहीं दो दो गिफ्ट्स निकली. एक है मंडाला आर्ट जो है यूनिकॉर्न थीम पर, दूसरी वाली है डूडल आर्ट. एंड ये वाली गिफ्ट तो मैं 100% बता सकती हूँ कि इसमें होगी कुछ बुक्स ही. इसको थोड़ा सा मूव करने से ये सारे सर्कल्स भी मूव हो रहे हैं वैसा लग रहा है ना. ओह नो, इसमें ना मेरा गेस रॉन्ग निकला. ये तो कुछ और ही है. ये तो एक स्टोरेज बॉक्स है. इट्स सो क्यूट है ना. ये है यूनिकॉर्न थीम पर एंड इसमें वेलक्रो भी है और इसे ना हम मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स अनबॉक्स दिस क्यूट गिफ्ट. ये तो बहुत ही क्यूट गिफ्ट है. ये है इयररिंग्स एंड ये है एक नेकलेस. एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैंने आज बटरफ्लाई वाली रिंग पहनी है और इसमें भी पेंडेंट में बटरफ्लाई है. ये नेकलेस कुछ ऐसा लगेगा. अब करते हैं ये वाली गिफ्ट अनबॉक्स जिसमें है बहुत सारे बलून्स. ओह, इसमें एक वाटर बॉटल है. इसकी इफेक्ट कुछ ग्रेडियंट आ रही है एंड ग्रेडियंट बॉटल्स ना जनरली कम अवेलेबल होती है, सो मुझे तो ये बहुत ही पसंद आई. एंड इसे कैरी करना ना हैंडल की वजह से काफी कंफर्टेबल रहेगा. तो ये है सारी बर्थडे गिफ्ट्स एंड आई होप कि आप लोगों को भी अनबॉक्सिंग में बहुत ही मजा आया होगा. मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया. बाय बाय. तो ये सारे है वो अमेजियंस जो हमें बर्थडे वीक में मिले एंड आप सब लोगों से मिलकर बहुत ही मजा आया.